नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत। अजय भारत के विशेष कार्यक्रम चर्चा में हम आज लेके आए हैं बिहार के एनडीए को लेकर के। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, दिख भी नहीं रहा है ठीक ठाक, क्योंकि जिस तरह से आज जीतनराम मांझी का एक सार्वजनिक तौर पर एक बयान आया है नीतीश कुमार के खिलाफ, ये साफ तौर पर दर्शा रहा है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से बहुत दूरी हो गई है अंदर ही अंदर जीतनराम मांझी की। और चिराग पासवान कुछ बोल तो नहीं रहे हैं, लेकिन उनके पार्टी के लोग जरूर बोल रहे हैं। उनकी पार्टी के जो सांसद हैं सांभवी चौधरी, उन्होंने कहा जो मेरी मांग नहीं है विशेष राज्य का दर्जा, मेरा अनुरोध है। एक तरह से कहें जो चिराग और जीतनराम मांझी और ललन सिंह बिहार के तीन लोग नीति आयोग के सदस्य बने हैं, शायद 29 तारीख को बैठक भी नीति आयोग की इसी को लेकर के, और जिस तरह से बिहार एनडीए में लोग दूर होते जा रहे हैं उससे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और विशेष राज्य का दर्जा अगर नहीं मिला तो नीतीश कुमार एनडीए में नहीं रहेंगे, क्योंकि एनडीए से उनका मोह भंग हो जाएगा, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट पर ही विशेष राज्य का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है। हो सकता है विशेष पैकेज मिल जाए, विशेष पैकेज से खुश होने वाले नहीं है नीतीश कुमार, क्योंकि इनकी डिमांड है जो बढ़ा हुआ आरक्षण जो खत्म किया गया उसको नौवीं सूची में डालना और विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज। हम बात करते हैं आलोक जी से। आलोक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार हम कार्यक्रम में जाते रहते हैं, जीतनराम मांझी से भी नज़दीक हैं, उनके बेटे संतोष सुमन से भी नज़दीक हैं, ये अंदर की बात को ज़्यादा समझते होंगे। आलोक जी, क्या लगता है जो आज जीतनराम मांझी का जो ये बयान आया है किस संदर्भ में है, आखिर क्यों उन्होंने कहा? पहले वो दर्शकों को वो बयान आप बता दीजिए, वो तो सुनाएंगे ही, क्या बयान? देखिए, मांझी जी इस बयान के माध्यम से ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम मोदी जी के करीबी हैं, नीतीश के नहीं। उन्होंने अपने भाषण के दौरान दो तीन बातें कही। पहली बात तो कही कि जिस समय हम 2014 में पार्टी बनाए थे, नीतीश कुमार जी कहते थे कि मांझी के पास पैसा है, कहाँ से पार्टी चलाएगा। तो आज देख मांझी कहे कि भाई देखिए आज पार्टी चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है, ये नीतीश कुमार पे तंज था। दूसरी बात उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमारी पार्टी को मर्ज कराना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे, मर्ज कराना चाहते थे। और जब हमें मर्ज के लिए तैयार नहीं हुआ तो हमको कहा बाहर का रास्ता देख लीजिए, और हम सरकार से बाहर हो गए, बाहर का रास्ता देख लिए। लेकिन आज देखिए मोदी जी की कृपा है कि पहले संतोष एक विभाग का मंत्री था, आज तीन विभाग का मंत्री है। उन्होंने ये भी कहा जो नीतीश कुमार ने, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमको तो अभिनंदन करिए रहे हैं, संतोष का भी अभिनंदन कीजिए, क्योंकि ये भी पहले कैसो करके इसको 6 साल के लिए हम लोग 24 तक के लिए एमएलसी बनाए थे, अब 2030 तक के लिए एमएलसी फिक्स हो गया है और बिहार सरकार में मंत्री भी है। और ये भी कहे हैं कि इमामगंज में भी हम लोग तिसरकों को लॉन्च कर देंगे। लेकिन एक बात उन्होंने कहा है नीतीश कुमार जी के लिए, जो उन्होंने जितना मेरा बुरा चाहा किया उतना उससे ज्यादा मेरा भला हो गया। देखिए, इन बयानों के माध्यम से ये दिख रहा है कि एनडीए में दो खेमा है, एक नीतीश जी का खेमा अलग है जो जदयू के लोग जयकारा लगा रहे हैं, कुछ बीजेपी के लोग भी उसमें शामिल हैं, और दूसरा नरेंद्र मोदी का खेमा है जिसमें कि चिराग पासवान और मांझी दोनों हैं। दोनों ये कभी दिखाना नहीं चाहते हैं कि हम नीतीश के हनुमान हैं। हालांकि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने यह कहा कि चिराग पासवान न मोदी के हनुमान है न नीतीश कुमार के हनुमान है, जिनको जब इनकी जरूरत होती है अपना ही राम बदल लेते हैं, मतलब अपने पिता के रास्ते पे। हाँ, जिससे पिता थे मौसम वैज्ञानिक, जिसकी सरकार बनती थी उसके यहाँ चले जाते थे केंद्र में। और जहां तक सांभवी चौधरी की बात है तो देखिए, सांभवी चौधरी वही बोलती हैं जो अशोक चौधरी कहते हैं, वो अशोक चौधरी की भाषा बोल रही है। जैसे अशोक चौधरी जदयू के नेता हैं, जदयू का मांग है विशेष राज्य का दर्जा, तो और इसमें वो अशोक चौधरी की भाषा करिए, मांग नहीं है, अनुरोध है। लेकिन अब तो ये देखना है कि बिहार से नीति आयोग में तीन मेंबर हैं, ललन सिंह भी हैं, चिराग पासवान भी हैं और मांझी जी भी हैं। तो तीनों मिलकर विशेष राज्य का दर्जा दिला पाते हैं कि नहीं, बिहार की जनता तो ये देखना चाहती है। लेकिन मांझी जी का आज का बयान तो ये साबित करता है कि नीतीश की बात केंद्र तक पहुंचाएंगे ही नहीं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कहा जो मेरी पार्टी तोड़ना चाहते थे, हमको बर्बाद करना चाहते थे। लेकिन ये भी तो कहे
कि नीतीश जी का धन्यवाद कि हमको मुख्यमंत्री बना दिए और देखिए हम पत्रकारों के लिए गरीबों के लिए बहुत काम किए, ये भी कहें। हाँ, पत्रकार पेंशन योजना तो शायद उन्हीं के द्वारा लाया गया था। पत्रकार पेंशन योजना है या पत्रकारों के लिए एक जो प्रेस क्लब था वो है, बाद में मिला नहीं वो। हाँ, लेकिन उन्होंने प्रयास तो किया। लेकिन ये बयान और सांभवी चौधरी का बयान तो साफ दर्शाता है जो एनडीए में कुछ गड़बड़ है। क्योंकि एक एक बात हम लोग कल आप लोग हम आप चर्चा कर रहे थे जो बीजेपी में भी कुछ होने वाला है, बहुत बहुत बड़ा उठापटक है। प्रेम कुमार डिप्टी सीएम के पद की ओर बढ़ रहे हैं, रामकृपाल यादव प्रदेश अध्यक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, ये कयास है, कयास होगा। नहीं, प्रदेश अध्यक्ष के लिए प्रबल दावेदार यहाँ से हो रहे हैं, जिनको कि दो तीन बार बीजेपी के बड़े नेता के पुत्र होने के बावजूद भी उनको मंत्री पद नहीं दिया गया। संजीव चौरसिया की बात है, डॉक्टर संजीव चौरसिया जो कि युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे हैं, तो नितिन नवीन से ज्यादा बड़ा कद रखते हैं। क्योंकि अश्विनी चौबे की वो बात आपको याद होगी, उन्होंने कहा है जो आयातित व्यक्ति हमारे प्रदेश का अध्यक्ष नहीं हो सकता पार्टी का। तो रामकृपाल भी तो आरजेडी बैकग्राउंड है, वही तो बोल रहे हैं। संजीव चौरसिया शुरू से ही बीजेपी में रहे, उनके पिता जी आरएसएस के और संघ बैकग्राउंड से हैं, संघ बैकग्राउंड के हैं, एबीवीपी से जुड़े हुए रहे हैं। हाँ। छात्र जीवन से सुशील मोदी का कोई रिप्लेसमेंट हो सकता है बीजेपी? गंगा प्रसाद, तो गंगा प्रसाद थे और गंगा प्रसाद जी के पुत्र हैं, पुत्र हैं और लगातार जीत भी रहे हैं। लेकिन जहां तक मांझी जी की बात है तो मांझी जी ने आज ये साबित कर दिया है कि हम एक तरफा मोदी जी के हनुमान हैं, नीतीश के कुछ नहीं है। और नीतीश कुमार को उन्होंने पंज कसते हुए हमला ही किया है, न कि इनकी कोई बड़ाई की है। वो चिराग पासवान भी तो लगता है कहीं अंदर ही अंदर नाराज है, क्योंकि 8 तारीख को एक लेटर निकलता है भवन निर्माण का, जो उनका आवास था, जो कार्यालय था रामविलास पासवान जी के टाइम में, जो जिस पारा सिंह का कब्जा हो गया, वो अलॉट कर दिया गया फिर से चिराग पासवान को। देखिए, उसमें भवन निर्माण विभाग की गलती भी दिखी थी, क्योंकि पारस जी की पार्टी की ओर से जब 21 में पार्टी टूटी थी तो 21 में इनके नेता मौखिक रूप से भवन निर्माण विभाग में गए थे कि भाई इस कार्यालय को रालोजपा के नाम से नवीकृत कर दीजिए। फिर 2022 में एक लेटर गया, फिर 2023 में पार्टी की ओर से लेटर जाता है कि जो किराया बाकी है उसका विपत्र दीजिए, हम किराया जमा कर देंगे, इसको रिन्यूअल कीजिए। लेकिन कोई नोटिस, लेकिन भवन निर्माण विभाग रिन्यूअल करने के बजाय सीधे हटा ही दिया। तो ही फिर भवन जो मामला जब कोर्ट में गया तो कोर्ट में यही पूछा गया, पीके शाही इधर से बिहार सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे कि जब ये किराया देने के लिए तैयार थे और जब ये नवीनीकरण की बात कर रहे थे तो फिर किस हैसियत से इनका बंगला छीन के दूसरे को लौट किया गया। तो इसी पे पीके शाही ने 4 सप्ताह का समय लिया था, 4 सप्ताह में नीतीश कुमार ने नियम ही बदल दिया, यू-टर्न ले लिया। अब तो बंगला चिराग को मिलेगा, चिराग पासवान को नया जगह अलॉट होगा। हाँ, नया जगह को अलॉट कर दिया जाएगा। ये तो एक सिंपैथी, मतलब उनके साथ एक भावनात्मक बिल्डिंग जुड़ाव था। नहीं तो हो सकता है चिराग पासवान को बीरचंद पटेल पद में, नहीं वहाँ उन्होंने बचपन बिताया है, पिताजी के साथ रहते थे, वहाँ कार्यालय भी आगे में था। रामविलास पासवान आराम भी करते थे, सोते भी थे। रामविलास पासवान आराम करते थे, लेकिन 77 से वो आवास पशुपति कुमार के नाम से करनांकित था, क्योंकि पशुपति पारस एमएलए थे और जिस समय से एमएलए थे वो मंत्री रहे लालू जी के सरकार में, जेल मंत्री भी थे तो, और इधर नीतीश सरकार में भी मंत्री रहे। और जब वो 2009 में नहीं कुछ थे, हार गए थे चुनाव, तब वो पार्टी के नाम से लौट किया गया था। मतलब कि चिराग पासवान से ज्यादा उस बंगले से पशुपति पारस का लगाव रहा, उसमें ज्यादा समय वो बिताए। लेकिन एक तो है, 8 तारीख को आप बंगला की चाबी देते हैं चिराग पासवान को, 20 तारीख को आप यू टर्न करके बंगला की चाबी देते हैं पारस को। आखिर पारस पर नीतीश कुमार इतना अचानक मेहरबान क्यों हो गए? नहीं तो एक चीज बताइए कि पारस को पारस बनाया किसने? रामविलास नहीं, पारस को केंद्रीय मंत्री बनाया, उनका कद बढ़ा। तो पारस को अगर पारस मनी कोई बनाया है नीतीश कुमार, उस शख्स का नाम नीतीश कुमार और ललन सिंह है, क्योंकि अगर लोजपा में तोड़ फोड़ नहीं होता तो मंत्री नहीं बनते, मंत्री चिराग पासवान होते। तो पारस को पारस मनी बनाया था नीतीश कुमार ने,
और पारस ने कभी भी नीतीश कुमार का शिकायत नहीं किया। पारस अगर अलग गुट भी बनाए हैं तो उसके पीछे भी नीतीश कुमार ही थे, उन्होंने नीतीश कुमार की बड़ाई की थी जो कि चिराग पासवान को बुरा लगा था। इसलिए अगर नीतीश कुमार उन पर सिंपैथी दिखा रहे हैं तो ये कोई अतिरिक्त बात नहीं है, ये तो नीतीश कुमार के साथ ही शुरू से रहे हैं। विरोध में तो चिराग पासवान रहे थे, लेकिन अशोक चौधरी की गुप्तगु के कारण उनको ये बंगला मिल गया था। मतलब संभवी उनकी बेटी है अशोक चौधरी, भवन मंत्री है शायद, नहीं अभी तो जयंत है मंत्री, जयंत राज है, तो वैसी स्थिति में हमको लगता है जो कहीं ना कहीं अशोक चौधरी भवन निर्माण के पूर्व मंत्री रहे हैं, और अधिकारियों से उनकी ट्यूनिंग अच्छी रही है, तो हमको लगता है कि जो भवन निर्माण विभाग के सचिव हैं कुमार रवि उनके हस्तक्षेप पे ये पूरा हुआ होगा। चिराग को मिल गया, फिर लगा जो भाई कोर्ट में हम पीछे हट रहे हैं, कोर्ट में सरकार हार जाएगी, ऐसी स्थिति में कैबिनेट में नई नीति ला दी गई जो रिन्यूअल अब होगा ही नहीं, जिसके नाम पे जो है वो उसका रह जाएगा। अब हमको चिराग पासवान को कोई नया बंगला मिल जाएगा। मैंने उसमें रालोजपा के लोगों ने एक नया तर्क दिया था, क्या उनका नाम रालोजपा है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, तो उन्होंने तर्क दिया था कि एनसीपी का बिहार में लंबे समय से कुछ नहीं है, कोई वजूद ही नहीं है, लेकिन उनका बंगला रह जाता है एकदम मुख्य द्वार पे है, बिचन पटेल के घुसते ही एनसीपी का बंगला दिखता है, और इनका छिन जाता है सरकार इस पे भी तर्क दे, तो सरकार यहाँ भी बीच अति हो रही थी, बैकफुट पे आ रही थी, तो सरकार बदनाम न हो, बैकफुट पे न आवे, इससे बचने के लिए नियम चेंज किया गया ना। लेकिन एक चीज आलोक जी, आप जो पिछले एक सप्ताह से जो दूसरी बात पारस शुरू से ये कहते रहे हैं कि हम एनडीए के सबसे पुराने और वफादार साथी हैं, 2014 से पारस जो है लोजपा जो है एनडीए के साथ है, बीच में चिराग पासवान भले इधर उधर चले गए थे एनडीए से, जो एनडीए का अभी जो वर्तमान परिदृश्य दिख रहा है, बीजेपी रह जाएंगे, मांझी हैं, चिराग हैं, कहीं लगता है नीतीश नफी छटक जाए, ऐसा हो सकता है। जैसे विशेष राज्य का दर्जा, हम के नेता का इस तरह का बयान, चिराग की पार्टी की संभवी का बयान, जो हमारे हमारी मांग नहीं है, अनुरोध है, मतलब रिक्वेस्ट करने आए हैं जो दे दीजिए, मतलब ये मांगेंगे नहीं, ये एनडीए के घटक दल होते हुए भी, नीतीश कुमार के सहयोगी होते हुए भी, ये नीतीश कुमार की मांग में हम यहाँ नहीं ला रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि जो 29 तारीख को बैठक होने वाली है, तो सीएम भी कहीं उसमें ललन सिंह अकेले न पड़ जाएं, बिहार की मांग रखने के लिए, विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर ललन सिंह अकेले न पड़ जाएं, चिराग पासवान और मांझी यू टर्न ले लें, कि हम तो विशेष पैकेज की मांग कर रहे थे बिहार के कल। अच्छा, मेरा रिक्वेस्ट है, वहां मीटिंग में बोलेंगे जो अनुरोध है, हमारी मांग नहीं है, मांग तो जेडीयू की है, ललन बाबू बताएंगे, ललन जी बताएंगे जो इनकी मांग है, हम लोग तो केवल रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था तो आपने एक चीज देखा होगा, मांझी जी ललन सिंह से सीनियर मंत्री हैं, 12 सांसद वाली पार्टी के नेता ललन सिंह मांझी के बाद शपथ लें, और चिराग पासवान तो और 20 के बाद लिए थे शपथ, तो मतलब कि मांझी जी का कद ललन सिंह और चिराग पासवान से ऊपर है, और मांझी जी का विभाग भी जो है आम आदमी से जुड़ा हुआ विभाग है। मांझी आज भी कह रहे थे कि हमारे यहाँ बेटियां अगरबत्ती और मोमबत्ती बनाती है, उसको सही मार्केटिंग नहीं होता, बिचौलिए ले जाते हैं, आनंद भाव में बेचते हैं, उसको कुछ नहीं मिलता है, तो हम, और उन्होंने एक बड़ी घोषणा भी मांझी जी ने की है, क्या? कि दिव्यांगों को जो बैंक से लोन मिलता है तो 25 लाख तक का जो लोन है मार्जिन फ्री होगा, बैंक मार्जिन नहीं उसमें होगा। जितेंद्र मांझी को की उम्र काफी है, इस उम्र में उनको इस तरह का पद मिला है, और वो मगध क्षेत्र पे अपना चाह रहे हैं, जो पूरा दबदबा मगध में नहीं है, तजुर्बा भी है सर, 1980 से वो मंत्री से है, और वो चाह रहे हैं जो मगध क्षेत्र पे, क्योंकि उनकी जो विरासत उनके बेटों को मिलेगी। नहीं नहीं, मुझे, हम अपने को वरिष्ठ कहते हैं, मुझे लोग कहने लगे हैं, हम 82 के पैदाइश हैं और मांझी जी 1980 से मंत्री हैं। तो नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं जो अगर स्वच्छ छवि और मांझी विरासत अगर उनके दोनों बेटों को संतोष और प्रवीण को मिलती है,
तो मगध क्षेत्र में राजनीति करने के लिए उनके आगे बढ़ने का है, जहानाबाद से लेकर औरंगाबाद गया ये सारा इलाका। पर अगर मांझी मांझी बहुत जैसे गया सीट में जो है, गया सीट अगर मांझी अगले चुनाव में 29 में नहीं भी रहते हैं तो ये आप जान लीजिए कि वहां का सांसद संतोष मांझी होगा। इसलिए गया में मांझी की आबादी बहुत ज्यादा है, लगभग 20% वहां मांझी वोट है। हम लोग बात कर रहे थे आलोक जी के साथ, जो एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिस तरह का बयान जीतन राम मांझी का आज आया एसकेएम हॉल में अपने अभिनंदन समारोह में, उन्होंने कहा जो नीतीश कुमार मेरे खिलाफ जितना भी बोले जितना